वेलकम दोस्तों। दोस्तों जल्द बदला जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एक अक्टूबर से ही लागू होगा नया नियम। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में जानने के लिए आप क्या होगा एक अक्टूबर से लागू, क्या होगा नियम, इस वीडियो से आप जान सकते हैं। दोस्तों इसे अंत तक देखिए क्या क्या बदला जा रहा है लाइसेंस में। दोस्तों कोई भी गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RCD रखना भी कानूनी तौर पर जरूरी है। लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC का रूप रंग बदलने की तैयारी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और RC का फॉर्मेट अलग अलग होता है। कोई राज्य में कैसा है, कोई राज्य में कैसा है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि लाइसेंस कौन सा है और RC कौन सी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के प्रारूप अलग होने से उनके नियम भी अलग अलग तरीके से दर्ज होते हैं। इसलिए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब कोई स्टेट की गाड़ी दूसरे राज्य में जाती है तो वो वहाँ के व्यक्ति उनको पहचानने में दिक्कत आती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कोई नया ही फार्मूला तैयार करने की तैयारी में दोस्तों। इसलिए दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और DL आने वाले समय में बदला जाएगा। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम इस साल अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। अब DL और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC दोनों एक जैसे होंगे, यानी हर राज्य में DL और RC का रंग समान होगा। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक DL और RC में जानकारी एक जैसी और एक ही जगह पर होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से RC और DL का कलर अलग अलग होने से अलग अलग स्टेट की पुलिस को और अलग अलग स्टेट के जो DT उनको पहचानने में दिक्कत आती है। इसलिए दोस्तों एक ही कलर और एक ही जगह पर होगी। इसलिए दोस्तों अब ऐसा और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या होगा बदलाव दोस्तों, इस पे भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों सहयोगी वेबसाइट GBNS में प्रकाशित खबर के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और RC का डिजाइन पूरे देश में एक जैसा होगा। इसको लेकर सरकार चर्चा कर रही है। दोस्तों लाइसेंस और RC पर नियम भी सभी पूरे देश में एक जैसे होंगे, उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। अभी तक ये अलग अलग होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इसमें ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी। नए बदलाव के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे होने पर जो ट्रांसपोर्ट और जो ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट आदि है उसको कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं करा सकता, क्योंकि एक सारे देश में एक जैसे लागू होंगे। दोस्तों इसके साथ साथ और क्या सुविधा होगी इस नियम में, एक अक्टूबर में जो लगेगा, क्या दिक्कत थी पहले, क्या नहीं थी, इस पर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। दोस्तों DL और RC को लेकर फिलहाल हर राज्य में अपने अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं। लेकिन इसमें परेशानी है कि किसी राज्य में इन पर जानकारी नहीं, किसी राज्य में पीछे की तरफ छपी होती है। लेकिन सरकार ने नए फैसले के बाद DL और RC पर जानकारी एक जैसी और एक ही जगह पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार को लाइसेंस है उसमें अलग अलग राज्य में किसी फॉर्मेट के अनुसार पूरा जो पता है, नाम पता है, वो आगे की तरफ है, किसी के आगे DL नंबर है और पीछे पता है। इसलिए केंद्र सरकार ये चाहती है कि एक ही प्रकार के सारे केंद्र में लागू हो। इससे जो दिक्कत आती है उससे अपन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ और क्या बदलाव कर रही है गवर्नमेंट। अब एक क्लिक पे मिलेगा पूरा रिकॉर्ड। इस संबंध में गवर्नमेंट ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस संबंध में सरकार ने पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लोगों से इस मामले में विचार मांगे गए थे। सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या RC में माइक्रोचिप और QR कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। QR कोड से केंद्रीय डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के पहले सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा। मतलब एक क्लिक, जैसे ही DL नंबर डालोगे उसमें पूरा रिकॉर्ड आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इससे ये होगा कि एक तो पूरे राजस्थान में, एक तो पूरे केंद्र में एक जैसा लाइसेंस और DL होगा, जिससे ट्रैफिक पुलिस को कोई दुविधा नहीं होगी।
मान लो कि जैसे कहीं भी स्टेट में अलग आरसी होती है, वहाँ की पुलिस अगर वहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम कर जाए तो उसे पकड़ने में वो दिक्कत आती है कि आरसी या डीएलए। इसलिए दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, ये 1 अक्टूबर से ही नया नियम लागू होने वाला है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं और पूरा देख सकते हैं दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।